एंड सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो सुबह सुबह एज यूजुअल जल अर्पित करना है, सबसे पहले नहा के, देन नहा के पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद तो एज यूजुअल वही खाना पीना। सो मॉर्निंग का ये फेवरेट पार्ट होता है, डूइंग पूजा एंड सो गाइस, ये चने हैं, रात को भिगोए थे, इसमें दाग है और अंजीर है, बादाम तो है ही नहीं। सो जो है वो खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली दो बादाम थे, मेरे को दिखे नहीं क्योंकि ना उनके पापड़ छील रखे थे, तो दो बादाम भी थे। सो गाइस, ये अंजीर बहुत मुश्किल से खाई है, बहुत मतलब गंदा टेस्ट लग रहा था, बहुत ज्यादा दाग भी गंदी लग रही थी, बट अब हाफ ली थी तो खानी पड़ी, बहुत गंदा टेस्ट था। और ये इसका पानी। सो गाइस, दिस इज माय खाना, चाय, और ये कीवी तो सूखी गई। मेरा खाना नहीं देखा ना, ना ना इतना तो कभी खाना भी देखा ना, तू देखा क्या हुआ खाना? इतना तो खाना पहली बार सुना खाना। हेलो गाइस, जामुन खा लो, हमने तो खाई नहीं होगी, बट ये तो ठंडी है, पॉपड हो गया। सो गाइस, वैसे ही मैं चेक कर रही थी तो इसका प्राइस 375। सो ऐसा तो मुझे इसमें कुछ लगा भी नहीं, बट पता नहीं इतनी महंगी क्यों है ये 375 की। इसमें रोस्टेड ऑलमंड्स है। लव मी एक ले ले, एक ले। क्या ये चॉकलेट? मैंने अभी एक स्टोरी लगाई थी, वो इंस्टाग्राम ने फिर से रिमूव कर दी। इंस्टाग्राम बंद ना हो जाए, मुश्किल से तो ठीक हुआ था, 6 महीने की जेल काट के आई हूँ मैं, और फिर इंस्टाग्राम के साथ कुछ कुछ पंगे करती रहती है। मतलब अब इंस्टाग्राम भी कह रहा है कि टिकटॉक नहीं बैठ जाता तेरे से, अब इंस्टाग्राम भी कह रहा है अपने आप से मतलब रखो, दुनिया की बजर में मत बढ़ो, पगला जाओगे। मुश्किल से तो ठीक हुआ था यार। खा ले, चॉकलेट डेरी मिल्क की? नो नो, टेस्ट तो डेरी मिल्क पर गया, विंटेज। मैं तो वीडियो अपलोड करके साइड पर रख दिया करूंगी। हाँ, और कुछ काम धंधा कर लिया कर, जब बढ़िया लगा तो सारा काम धंधा करूँ मैं, बकवास कर रही। आप तो उठ दीजिए, लप्पू सी पायल है। खाना मुझे बनाना आवे ना, तुम्हें कुछ करना आवे ना, मैगी में जहर घोल ले मैं नूर के कर है कुछ आवे तेनु है, लप्पू सी पायल है। ये कैमरा बंद करेगी, इसकी बेइज्जती होने लगी। नहीं कैमरा बंद नहीं होगा। सो ये देती है मुझे कंटेंट,
ब्लैक पिंक, बट ये तो ब्लैक वाइट ब्लैक है। कैसी लग रही है ये हीरोइन गाइस, कमेंट करके बताना। चुड़ैल लग रही है। इसमें नाग नागिन का जोड़ा तो नहीं था ना? ऊपर तो जैकेट पहन लिए। दीक्षा की जूत है ये। नीचा पजामा पहन लोगे ना? पहले सोचना पड़ता है कंटेंट दिमाग में। मेरा कौन चिंतन हुए बन जाए है। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद तो नहीं है, बट फॉर वीडियोस मैं खरीद लेती हूँ, बना लेती हूँ। बट आई लाइक नाइट सूट्स मोर एंड मोर। नाइट सूट्स और लुकी ना। Yeah, you are a model. कुछ कहना नहीं चाहोगी तुम या सिर्फ अपनी अदाएं ही दिखाओगी? बंगाली कितना वाला दे मालो शो डांस तो करके दिखा दे, बढ़िया सा बढ़िया सा डांस करके दिखा दे। मैंने कहीं से कोई डांस नहीं सीखा, मैंने कोई ट्रेनिंग ली, बट इफ यू थिंक दैट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ देन इट इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू मी, बिकॉज यू नो वॉट, मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं है ना, और फिर भी आपको कोई कह रहा है कि यू आर गुड बट यू नीड इम्प्रूव, सो विदाउट लर्निंग एनी डांस, सो दैट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। हो गया, निकलो पिछवाड़े के साथ। ये बता बाहर कैसे जाऊं इस पहन को, इस ऊपर को बताया तो दिया, ऊपर जैकेट नीचे पजामा। और मेरे तो अगली वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये गरम है, ये जूते मेरे के लिए तो इतना जुलूस काटना है। ओह यार, ओह यार, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। मैं अपन किडनैप कर ला। नहीं हां, एक बार दे जाने के बाद है तो पाऊंगी ये। अच्छी बात तो है। क्या अच्छी बात, ऑडिशन प्रोडक्शन तो दे नहीं सकती ना। दे ले, कोई रोक क्या तुम्हें? Should I improve my figure? No. मुझे abs चाहिए। तुम्हारे हड्डियाँ हैं, तुम्हें abs की जरूरत नहीं है। गेवर खाऊंगी। So guys, is ready. और हम जा रहे हैं वीडियो बनाने। So guys, इसने चेंज कर लिए हैं कपड़े। चेंज किए हैं, कपड़े पहने हैं। और मम्मी बना रही है, छिल रही है मौसमी, फिर माँ के जूस बनाऊंगी। So guys, हम जगह ढूंढ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, नहीं वस्त्र होने के लिए। ऐसे कपड़े पहन के गांव में वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है।
ये कुछ गंदी सी सड़क है, इसे हम सड़क नहीं बोलेंगे, मिट्टी की सड़क है ये। और यहाँ से स्कूटी ले जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ब्लर आ रहा है बिल्कुल। Now I have to remove my clothes because I have to shoot here. So guys, I remove my jacket and I feel so much shy because in front of me there are so many persons. Sorry, auto hoga kar liye pants pajama to. So now I have to remove my. जब मैं यहाँ पे इसकी वीडियो शूट कर रही थी तो 15-20 लड़के आ गए थे यहाँ पे, तो बहुत अजीब लग रहा था, बट क्या करें, भगा तो सकते नहीं थे क्योंकि पब्लिक प्लेस था। सो गाइस वीडियो एक और बढ़ाने करके ना एक और ये आ गए थे यहाँ पे फोटो शूट कराने। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। कुत्ते आ गए, छोटे छोटे कुत्ते भी आ गए। या नेक्स्ट लेवल Oh my god!
भाजी तेरे सासू का काम लग ध्यान रखा करो ना इतना कैसे लगा पाऊंगा तू कोई के दस्तक है कल तो तुम भर लिया था ठंडा करती इतना पीछे डालो ना सही रगड़ तो ले बता गाल का तो मैं टट्टी बना रखी इस तो बड़ी आई है मैडम आना और दे दे सारी का सारा था या और बाल पर है सामने तो गाइस मम्मी ने बनाए थे नमकीन चावल सो स्पाइसी थे ठीक थे वैसे मुझे इतना टेस्ट नहीं आता अभी भी सो है लस्सी पी रही हूँ कपड़े चेंज कर लिए मैंने क्योंकि कहीं जाने का प्लान तो बन नहीं रहा सो अब ये लस्सी पीऊँगी और मुझे नींद आ रही है अजीब सा मौसम हो रहा है तो मे बी मैं रेस्ट करूँ उसके बाद देखेंगे साइकिलिंग करने जाएंगे शायद शाम सो गाइस दिस इज़ लस्सी इसमें घी घी है लस्सी में ये ऊपर सारा घी है इसको ये घी है देखो तो घी तो चलते रहता है सो गाइज 1 किलोमीटर चाल का आएंगे 1 किलोमीटर तो होया भी नहीं बहुत थर्मल चाल लेंगे आधा ही होया है तो मेरे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इतने टाइम बाद एकदम वो कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी तो आज थोड़ा चलाऊंगे मंडी मंडी तक बस ठीक है चलो चलते हैं सो गाइज इन्हें जरूर माथा मारना बीच में बैगा तेल क्यों कर रोकूंगी ले बैंड की सो मैं इस पे से ले रही हूँ ये बैग क्योंकि बार बार फोन लेने के लिए व्लॉगिंग करनी पड़ रही है क्यों कर बांध रहा हूँ और देखो पसीने आ गए अब ये मत कहना कि धूप में हो धूप नहीं है 5 बज रहे हैं कर दिया सो गाइस ये 1 किलोमीटर तो हम आ गए थे अभी दूसरा टारगेट फिर 1 किलोमीटर है तो देखते हैं 4 किलोमीटर हो जाएगा वैसे 2 आने का 2 जाने का सो गाइस अभी हम चला रहे हैं साइकिल और हम इस वाले रोड पे आ गए हैं अभी मैं शूट कर रही थी तो वो 1x में हो रहा था बहुत छोटी आ रही थी मैं शायद अब अच्छे से आ रही होंगी सो अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ एंड इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई जस्ट लव इट मतलब पुरानी बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई एंड हम आई थिंक 4-5 किलोमीटर तो आ गए मैं और पायल से हाय पायल हाउ इज योर एक्सपीरियंस हाउ यू फील सो बहुत सारे लोग रस्ते में पहचान रहे हैं मेरे को एंड मेरा नाम बोल रहे हैं चल पड़ी काजल एंड ऑल सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर लव एंड सपोर्ट आप सबके प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ वरना मैं यहाँ नहीं होती पता नहीं कहाँ होती शायद किसी के साथ शादी करके किसी के ढोबरे मांझ रही होती सो ब्लॉगिंग करना गाँव में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो चलो थोड़ी देर साइकिल चलाते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सो हम कहाँ आ गए हम यहाँ पे आ गए थर्मल है हाँ ये रहा थर्मल एंड वी क्रॉस थिराना शेरा मतलब शेरा तो उस साइड पड़ता है हम थिराना और थर्मल साइड आए हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है बट पसीना आए हैं बट उतने नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किए थे सो हम चलते जा रहे हैं डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग बिकॉज इट्स योर व्लॉग पानी की प्यास लगी है सो नेक्स्ट टाइम हम कल सुबह से पानी की बोतल लेके आएंगे एक ही फ़ोन लेके आएंगे और एयर ड्रॉप से हम आपस में शेयर कर लेंगे जो क्लिप मुझे दिखानी होगी जो क्लिप उसको दिखानी होगी तो आई वॉन्ट टू से कि पसीने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मौसम भी तुम्हें पता ही आजकल कैसा चल रहा है मतलब ठंडा ठंडा सा बट काफ़ी मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करते हुए काफ़ी कूल फील हो रहा है एंड हम थर्मल आ गए यार पाओ मतलब पहले दिन है मेरा और ये वाला साइकिल अच्छा है उसका ज़्यादा हैवी है तो हाँ है भी है मेरा ज़्यादा जोर लग रहा है तो चलो हम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर टाइम सो गाइज हम यहाँ से मुड़ रहे हैं
एंड अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तुम अंकित की कॉपी कर रही हो या उससे इन्फ्लुएंस हुई, तो बहुत अच्छी बात है ना, हम किसी चीज से इन्फ्लुएंस हुए हैं तो नहीं, कुछ लोग बोलेंगे तो उनके लिए जवाब है ये। चलो मान लो 1% अगर उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो अच्छी चीज़ है ना, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कोई गलत चीज़ तो कर नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में अपनी बकवास करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ये है। तो हम यहाँ से मुड़ रहे हैं एंड यहाँ पे एक आदमी था, कभी सेफ फील नहीं होता यार लड़कियों को, काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, लड़कों के लिए फिर भी आसान है बट फॉर गर्ल्स इट इज़ नॉट ईजी, वेरी स्ट्रगलिंग, वेरी हार्ड वर्क। अब पसीने आए थोड़े थोड़े, तो चलो चलते हैं वापस घर। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, पानी पीना है इसको, पसीनों में ही पिएगी क्या है, घना ठंडा सिरप। मैं तो घर पे जाके पीऊंगी। किसा है, क्यों या हर रिएक्शन किसा ठंडा, बीमार हो जाएगी, थोड़ा ही पियो। चलो चलते हैं। सो गाइस, आठ तो बजे नहीं है, 7:30 ही होंगे। सो ये शाम डिनर में ही है, 2 रोटी दाल, दिस इज़ माई खाना। सो मुझे दाल खाने में अच्छी लगती है, रोटी के साथ खाने में अच्छी नहीं लगती, तो मैं करेले के साथ खा रही हूँ। कड़वा है करेला बट खाने में तो यही ठीक है।